वेलकम टू एकता होम फूड्स। भाई आज हम बनाएंगे कुछ नॉन वेज। नॉन वेज में हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। ये देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया चिकन लॉलीपॉप बनके तैयार हुआ है। बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, और जिनको नॉन वेज पसंद है दे जस्ट लव इट। तो ये हमने बनाया चिकन लॉलीपॉप बड़े फटाफट। साथ ही मैंने आपके साथ उसमें मेयोनीज की रेसिपी भी शेयर की है, जो कि चिली गार्लिक मेयोनीज है। बहुत यमी बनी है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है। साथ साथ ही बन जाती है जब ये आप बना रहे हो चिकन लॉलीपॉप, उसी के साथ आप ये बना सकते हैं। थोड़े से अनियंस ले लिए हैं, थोड़े नींबू रख लिया है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो भाई करना बनता है ना। बेल आइकन भी दबानी पड़ती है ताकि पता चले कि भाई एकता क्या आपके लिए बना रही है। कभी वेज, कभी नॉन वेज, कभी स्वीट, कभी सूप, कुछ ना कुछ तो हम बनाते रहते हैं हर दिन आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए देखिए कैसे बनाएंगे हम चिकन लॉलीपॉप। हेलो, वेलकम टू एकता होम फूड्स। भाई आज हम बनाएंगे ना चिकन लॉलीपॉप। बहुत ही बढ़िया स्नैक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीजें आप देख रहे हैं। तो ये जो है मैंने चिकन लॉलीपॉप बाजार से खरीदा है और उसको धो करके मैंने उसको जैसे ये कम से कम कुछ पीसेस हैं, कितने, कम से कम 15-20 पीसेस ये होंगे। 15 पीसेस अगर आपने लिए हैं तो आप उसको धो करके उसमें 3-4 चम्मच विनेगर और आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक डाल के उसको 1 घंटे छोड़ दीजिए। तो ये छोड़ने के बाद इस तरह हो जाता है और इसका ना जो अंदर से बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं अगर आप इस तरह से इसको करें। और उसके बाद जो है इसको धोना है। तो अभी मैंने इसको विनेगर नमक डाल के रखा था, अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और मीन वाइल आपको बताती हूँ कि सामान क्या चाहिए। इसको मैं वॉश करने के लिए अलग रखती हूँ। इनको आप नल के नीचे अच्छे से धो लीजिए। बिल्कुल इसको धो के हमने छन्नी में डाल दिया ताकि पानी जो है थोड़ा इनका निचोड़ जाए अच्छे से। और चीजें जो हमने लिया वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने ये 1.25 कटोरी दही ली है। खट्टा होगा तो भी चलेगा, फ्रेश होगा तो भी चलेगा। ये 1/2 कटोरी मैंने मैदा लिया है, 1/2 कटोरी हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, और ये 2 चम्मच हमने सोया सॉस ली है, और 2 चम्मच हमने विनेगर लिया है। प्लस ये नमक स्वाद अनुसार करीबन 1 टीस्पून ले लिया है, और आधा चम्मच जो है हमने, आधे से थोड़ा कम चम्मच काली मिर्ची ली है, और 1 चम्मच टीस्पून जो है भर के लाल रंग वाली मिर्ची ली है, कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि थोड़ी तीखी भी है और रंग भी उसका अच्छा है, ताकि हमको आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना पड़ेगा। इसी मिर्ची से इसका रंग भी बहुत अच्छा आ जाएगा। प्लस ये जो है हमने चाट मसाला लिया 1/2 चम्मच, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो हमने घर में ही पीसा है। तो ये चम्मच जो है मैंने यही सेम चम्मच भर के हमने ये फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ऐसी चीजों में। स्पेशली चिकन में जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी चॉइस है, अगर आपको खाली गार्लिक पेस्ट पसंद है या फिर खाली जिंजर पसंद है, वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो दोनों आप डाल सकते हैं। और आपको ऑयल चाहिए रहेगा फ्राई करने के लिए, करीबन 1/2 लीटर। ये चिकन का पानी निकल गया है, अब हम इसको वापस बोल में डाल लेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो सारी चीजें हैं ये हम सब इसी में डाल देंगे। मतलब हम नमक और काली मिर्ची, लाल मिर्ची, अगर लाल मिर्ची आपको कम चाहिए तो आप कम डालिए, चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्लस ये दही हमने जो लिया ये भी हम इसी में डाल देंगे। प्लस हमने जो कॉर्नफ्लोर लिया है, बहुत ज्यादा नहीं लिया, मतलब अगर आप जो चम्मच मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ यही वाले चम्मच ये लेंगे, तो 4 चम्मच मैदा और वही सेम 4 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर। ये दोनों कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो रेशियो है वो बिल्कुल 1:1 है। जितना आप कॉर्नफ्लोर लेंगे उतना आपने मैदा लेना है। तो अभी हमने इसमें कुछ भी लिक्विड ऐड नहीं किया, तो हम जो पहले जो सोया सॉस और जो विनेगर है वो पहले ऐड कर देंगे और फिर उसको हम मिक्स करेंगे। और ये जो कटोरी में जितना बचा है ना ये भी हमने इसी में डाल देना है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पूरा एक पूरे पीसेस के ऊपर हर पूरी चीज कोट हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। ये पूरी चीजें कोट हो गई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हम डालते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए, या काफी लोग डालते भी हैं, पर मैं जो है इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालती हूँ। 2 चम्मच, 2 टीस्पून भर के हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। ये तेल डाल के हम इसको वापस जो है मिक्स कर देंगे चम्मच से या हाथ से जैसे भी। सरसों के तेल से ना एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है नॉन वेज में हमेशा, पता नहीं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खाती नहीं हूँ पर मेरे बच्चों को पसंद आता है, तो ये एक अलग सा एक फ्लेवर दे देता है उसमें। और स्पेशली ना ये पंजाबी लोगों को कुछ कसर होती है, भाई हर एक चीज में सरसों का तेल जरूर डालना होता है, पर नॉन वेज में सच में ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, किसी किसी फॉइल से या फिर क्लीन रैप से या ढक्कन से, जिस तरह से मेरे पास ये रखा है, तो मैं ढक्कन से ढक के या फिर फॉइल लगा करके इसको हम फ्रिज में एटलीस्ट 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं।
मीनवाइल हमारा चिकन जो है हमने मैरिनेट करने के लिए रखा है, तो हमें उसके साथ कुछ डिप भी चाहिए होती है। तो डिप के लिए मैंने क्या किया, मेयोनीज लिया। वैसे मेरे चैनल पे मेयोनीज की रेसिपीज हैं, मैंने एक नाचोस बनाया उसके साथ भी मैंने एक रेसिपी मेयोनीज की शेयर की है, और उसके अलावा भी मेरे पास मेरे चैनल पे एक मेयोनीज की रेसिपी है। पर क्योंकि हम चिकन लॉलीपॉप बना रहे हैं, तो साथ में मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं हाल के हाल जो है। तो इसके लिए हमने लिया एक अंडा, और ये एक छोटा कप जो है मेजरिंग वाला ऑयल है, ये कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या सैलड ऑयल या ऑलिव ऑयल। और ये जो है हम बना रहे हैं चिली गार्लिक मेयोनीज। तो मैंने इसमें ये लहसुन का पेस्ट लिया है जो घर पे ही बना हुआ है, तो कम से कम 4-5 लहसुन का ये पेस्ट होगा। और 3 हमने लाल मिर्ची ले ली है साबुत वाली, आधा से कम चम्मच मतलब 1/4 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है, 1 चम्मच चीनी है हमारे पास, और 1 चम्मच जो है ये विनीगर हमने लिया है। और ये सब चीजें बस हमने इस मिक्सी में डाल देनी है, अंडा इसमें हमने फोड़ना है, और साथ ही ये जितना सामान हमने लिया है ये पूरा हमने इसमें डाल देना है एक साथ। तो बहुत इजी होती है, जस्ट टेक्स ओनली 2 मिनट्स मेयोनीज बनाने के लिए। शुगर आपको कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हो, पर क्योंकि हम मिर्ची डाल रहे हैं तो इसलिए शुगर डालिए ताकि वो कॉम्पनसेट हो जाता है। ये सब हम डाल के इसको हम बस मिक्सी चला देंगे, फटाफट ये क्रीमी सी मेयोनीज बन जाएगी। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, मतलब आधा लेमन का जूस इसमें आप डाल सकते हैं। ये मेयोनीज हमारी बन के रेडी है, बिल्कुल ज्यादा टाइम लगता है, 1 मिनट हम इसको चलाएंगे, और आप देख सकते हो चिली गार्लिक मेयोनीज हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। एक कटोरी भर के बन जाती है, जो एक बार की सर्विंग के लिए बहुत हो जाती है। ये देख सकते हैं इसमें से भी मैंने पूरी निकाल ली है, ढक्कन में से भी पूरी निकाल ली है, तो एक कटोरी भर के हमारी बढ़िया सी मेयोनीज रेडी है। तो अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन मैरिनेट हो गया हुआ है, तो अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे तेल डालकर। ये चिकन हमने निकाल लिया फ्रिज में से, करीब मतलब मिनिमम ऑफ 1/2 आवर टू 1 आवर आपको रखना ही चाहिए, तभी अच्छा बनता है। पर इमरजेंसी हो तो फिर भी आप इमीडिएट भी बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑयल हमने गरम रख दिया है करने के लिए, ऑयल हमारा गरम हो गया, हमने स्लो से मीडियम हीट पे रखा हुआ है, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना। और ये जो है चिकन जो है हम एक बार और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, हाथ से आप मिक्स कर लीजिए या चम्मच से, और फिर इसको हम तलने के लिए डालेंगे। तो एक एक पीस लेके हम इसको डालते हैं, थोड़ा दूर दूर डालिए ताकि चिपके ना एक दूसरे से। एक साइड जैसे ये हो जाए करीबन आधा मिनट 1/4 मिनट एक साइड करके, फिर आप उसको दूसरी तरफ पलट देते हैं। अगर आपके करछी से मुश्किल होता है तो आप चिमटे से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया होता ना तो ये थोड़े अच्छे सॉफ्ट से होते हैं और जल्दी भी कुक हो जाते हैं। ये दोनों तरफ से हम अच्छी तरह पका लेंगे, करीबन जैसे कि आधा से 1 मिनट एक साइड, फिर आधा से 1 मिनट दूसरी साइड, इसी तरह 2-3 बार अलग अलग करके इसको पकने तक, क्रिस्प होने तक हम इसको पका लेंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे ये हमने बनाए, ये हमने ज्यादा कर लिए हैं मैरिनेट, तो हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे हमने कुछ बनाने हैं 10 पीसेज और 10 वापस रख देने हैं, तो हम 10 पीसेज को दूसरे डिब्बे में डाल के एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर में डाल देंगे, और फिर जब भी आपको चाहिए तो आप इनको बना सकते हैं। ये हमारे जो है बन के तैयार हो गए हैं, 2.5 से 3 मिनट लगते हैं इसको बनने में, बहुत जल्दी बन जाते हैं, मतलब 3 मिनट भी लग सकते हैं, कभी 4 मिनट भी लग सकते हैं। मतलब आप थोड़ा स्लो से मीडियम गैस पे में पकाएं तो आपको, अगर आ थोड़ा सा इस तरह से तोड़ के देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कच्चा या पका है, पर मैक्सिमम बाय 4 मिनट ये हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ये आप पक गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। मैं बस अभी के लिए इतने ही बनाऊंगी, और ये जो है मैं स्टोर करके रख दूंगी फ्रीजर में फॉर लेटर यूज। ये हमने एक ट्रे ले लिया, इसमें हमने अपनी मेयोनीज रख ली है जो अभी अभी हमने बनाई थी, चिली गार्लिक मेयोनीज, इसमें हमने मस्टर्ड नहीं डाला था। और ये थोड़े अनियन से इनको रिंग्स कट कर लिए, और आधा नींबू हमने ले लिया, और ये थोड़ा सा चाट मसाला और भुने हुए जीरे का पाउडर है जिसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और हमने जो ये तले हैं अपने चिकन लॉलीपॉप, ये इस प्लेट में हम इसको सेट कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने इसको प्लेट में सेट कर दिया है, और ये जो हमने चाट मसाला और जीरा का पाउडर लिया है ये थोड़ा थोड़ा हम इनके ऊपर इस तरह से डाल देंगे,
और बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप भी जो है ये चिकन लॉलीपॉप घर पे बना सकते हैं, बहुत आसान होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, जिनको नॉनवेज पसंद है दे जस्ट लव इट। तो ये रेसिपी जरूर बनाइए और मेरे साथ बने रहिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी है इजी एंड क्विक रेसिपी। और सी यू सून विद सम अदर इंटरेस्टिंग रेसिपीज।